वेलकम बैक दिस चैनल। मैं हूं मोहम्मद अजीब और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दीदार MKN। तो जनाब देर नहीं करते बात करते हैं टर्की। आप कहीं टर्की जाने की सोच रहे हैं या टर्की जाने की चाहत रखते हैं तो यह वीडियो आप देखिए, और नहीं भी जाना चाहते तब भी देखिए, इंशाल्लाह आप भविष्य में जाएंगे तो आपकी यह वीडियो काम आएगा। तो दोस्तों मैंने टर्की वीज़ा के बारे में भी एक वीडियो बनाया है जो आपको आई बटन पर क्लिक करने से दिख जाएगा। आई बटन यहाँ पर शो हो रहा होगा, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो टर्की वीज़ा हम कैसे लें इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी दिया है। तो बात करते हैं, देर नहीं करते, अगर आप टर्की जाना चाहते हैं तो टर्की जाने के लिए सबसे चीप फ्लाइट मैं आपको बताता हूँ। सबसे चीप फ्लाइट आपको मिलेगी दिल्ली से, दिल्ली एयरपोर्ट से, IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मिलेगी, नई दिल्ली से। तो दोस्तों आप तो चीप फ्लाइट इंडिगो फ्लाइट जाती है जो डायरेक्ट आपको दिल्ली ले जाएगी, दिल्ली सॉरी दिल्ली से इस्तांबुल ले जाएगी। तो जनाब हम बात करते हैं तुर्की जाने के लिए सबसे सस्ती फ्लाइट आपको कहाँ कौन से एयरपोर्ट से मिलेगी। तो मैं बात बताने जा रहा हूँ आपको, सबसे सस्ती फ्लाइट आपको दिल्ली एयरपोर्ट से मिलेगी, दिल्ली IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आपको तुर्की जाने के लिए सबसे सस्ती फ्लाइट मिलेगी। तुर्किश एयरलाइंस की फ़्लाइट जाती है, एयर इंडिया जाती है, इंडिगो फ्लाइट भी जाती है और सऊदी एयरलाइंस भी जाती है। सबसे सस्ती सबसे चीप फ्लाइट आपको इंडिगो एयरलाइंस से मिलेगी। इंडिगो एयरलाइंस अगर आप 2 महीना 3 महीना पहले से बुक करते हैं तो 11,000 कुछ रुपए आपको पड़ेंगे। अगर आप आने जाने का टोटल राउंड ट्रिप जोड़ते हैं तो आपको समथिंग 22,000 या 23,000 के लगभग फ़्लाइट के चार्जेस पड़ेंगे। अगर आप फ़्लाइट ले लेते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं, फिर आपको इमिग्रेशन क्वेश्चन पार करना पड़ेगा, उसके बाद ड्यूटी फ्री मिलेगी, उसके बाद आप अपने फ़्लाइट की वेटिंग करेंगे, फिर आप अपनी फ़्लाइट पर बैठेंगे और फ़्लाइट में बैठेंगे फिर इस्तांबुल एयरपोर्ट पहुंचेंगे, आपकी फ़्लाइट लैंडिंग होगी, फिर आप अपना इमिग्रेशन क्लियर करेंगे, उसके बाद आप अपना लगेज लेंगे। उसके बाद आपको मैं डिटेल बताता हूँ, इस्तांबुल में 3 एयरपोर्ट हैं। अब 3 एयरपोर्ट कौन कौन से हैं जिसमें आपको सिटी सेंटर कितनी दूरी पड़ेगी, आपको सिम कौन सा लेना है, ये सब डिटेल जानकारी इसी वीडियो में है तो मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। आपकी फ़्लाइट कहीं न्यू इस्तांबुल एयरपोर्ट पर लैंडिंग करती है तो यहाँ से तकसीम स्क्वायर सिटी सेंटर 44 किलोमीटर की दूरी पर है, पर आपको यहाँ टैक्सी लेना पड़ेगा या तो फिर बस लेने पड़ेंगी। अगर आपकी फ़्लाइट सबिहा गोकसेन एयरपोर्ट पर लैंडिंग करती है तो यहाँ तकसीम सिटी सेंटर 44 किलोमीटर यहाँ से भी, और यहाँ से भी आपको मेट्रो उपलब्ध नहीं है, आपको यहाँ से टैक्सी लेनी पड़ेगी या तो फिर आप बस से जाएंगे। यहाँ बस आप ले सकते हैं, बस आपको मिल जाएगी। अगर आपकी फ़्लाइट अतातुर्क एयरपोर्ट पर लैंडिंग होती है तो आपको यहाँ तकसीम सिटी सेंटर या सुल्तान अहमद जो सिटी सेंटर पे पड़ता है, यहाँ आपको जाने के लिए मेट्रो उपलब्ध हो जाए। और अतातुर्क एयरपोर्ट से तकसीम सिटी सेंटर 24 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों आपको मेट्रो लेने के लिए आपको इस्तांबुल कार्ड लेना पड़ेगा, लगभग आपको 10 तुर्किश लीरे लीरा देना पड़ेगा, वहाँ लीरा बोलते हैं जैसे इंडिया में रुपए बोलते हैं, 10 तुर्किश लीरा का आपको एक कार्ड बनाना पड़ेगा, इस्तांबुल कार्ड। उसमें आप उस कार्ड को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं मैं इसको बताता हूँ। उस कार्ड को आप बस, डबल डेकर बस, नॉस्टैल्जिक ड्रम, तकसीम सिटी मेट्रो बस टनल, मेट्रो ट्रम, फेरी, केबल कार, इस इस्तांबुल कार्ड को आप यूज़ कर सकते हैं और इस्तांबुल सिटी में आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। और आप कहीं न्यू इस्तांबुल एयरपोर्ट पे लैंडिंग हुए हैं आपकी फ़्लाइट तो आपको बस या टैक्सी लेने पड़ेंगे जिसके चार्ज मैं आपको बतलाता हूँ। आप बात करते हैं टैक्सी की, आप एयरपोर्ट से सिटी सेंटर तक जाने के लिए टैक्सी ले सकते हैं, टैक्सी आपको लगभग 150 तुर्किश लीरा देने होंगे और आप
एयरपोर्ट से इस्तांबुल सिटी सेंटर आने के लिए 40 से 60 मिनट का समय लगेगा। अगर आप ऑनलाइन टैक्सी बुक करना चाहते हैं तो जैसे इंडिया में ओला चलती है, वैसे ही इस्तांबुल में बी टैक्सी ऐप, ये ऐप आप अपने मोबाइल पर यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 110 तुर्की लीरा खर्चा आएगा अगर आप सबिहा गोकसेन एयरपोर्ट पर हैं तो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, वो है आपको सिम लेना। अगर आप एयरपोर्ट पर आपकी फ़्लाइट लैंडिंग हुई, आपका इमिग्रेशन क्लियर हो गया, फिर आप अपने लगेज लिए, फिर आपको एयरपोर्ट पर ही सिम की बहुत सारी शॉप दिखेंगी। तो जनाब, आपको इस्तांबुल के कोई भी एयरपोर्ट पर आपको तुर्क टेलीकॉम की सिम मिल जाएगी। यह सिम आपको 200 तुर्की लीरा में मिलेगी और 200 तुर्की लीरा में आपको 15 GB डाटा पैक मिलेगा और 1000 लोकल तुर्की में कॉल कर सकते हैं, 1000 SMS कर सकते हैं। तो ये आपको तुर्की की कोई भी एयरपोर्ट में मिल जाएगा। वैसे वोडाफोन का भी आपको सिम मिलेगा और दो तीन और सिम है। वोडाफोन का सिम बहुत ही महंगा है और एक दो और सिम है तुर्क सेल का है, ये तुर्क टेलीकॉम का मैंने आपको चीप रेट में बताया। अगर आप इससे भी कम रेट में लेना चाहते हैं तुर्क टेलीकॉम का सिम, तो आपको सिटी से बाहर जाना होगा। आपको सिटी से बाहर जो 200 तुर्की लीरा में सिम मिल रहा है, वो सिटी से बाहर और बहुत ही कम रेट में मिलेगा। अगर आप एयरपोर्ट में लेते हैं तो आपको डाटा ऑन हो जाएगा, आपको मैप देखना सहूलियत होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा तो आप एयरपोर्ट से लें और इससे आपको फ़ायदा होगा। एक फ़ायदा होगा कि आपको मैप देखने को मिल जाएगा, आप सिटी बिना मैप के नहीं ट्रैवल कर सकते आप पहली बार गए हो। तो इससे अच्छा है आप एयरपोर्ट में लें ताकि आप कोई इस बाहर स्कैम से बचें। आपके पास मैप होगा तो आप यानी पूरा सिटी पैदल ही ट्रैवल कर सकते हैं। यानी मेरी बात कहने का मतलब, आपको गाड़ी ज़रूरी है, टैक्सी लेना, मेट्रो लेना, तो आप अपना इंटरनेट ऑन कर लेना। जनाब, यह था दिल्ली से तुर्की इस्तांबुल एयरपोर्ट तक का वीडियो, कौन सी फ़्लाइट आपको चीप पड़ेगी, कैसे जाएं, क्या है। और मैं आपको, आप इस्तांबुल सिटी सेंटर पहुंच जाएंगे तकसीम स्क्वायर सुल्तान अहमद, उसके बाद मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा कि इस्तांबुल टॉप 10 टूरिस्ट अट्रैक्शन क्या है, किस जगह हम ट्रैवल करें, कौन सी जगह हम बेहतर रहेगा हमारे लिए, इसकी पूरी जानकारी आपको आगे की वीडियो में मिलेगी। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा कह के मैंने छोटा बनाया है। आगे की वीडियो आप ज़रूर देखिए, आपको पूरा समझ आ जाएगा। आप कहीं पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो आपसे इंतज़ार, रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर।